आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट स्मोक इफेक्ट इन फोटोशॉप। इस ट्यूटोरियल के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने डाउनलोड कर ली हैं, आपको लिंक मैं दे दूंगा। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका साइज़ होगा 1500x1500। अब जौन सी फ़ोटो हमने डाउनलोड की है उसे हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे क्लिक और ड्रैग करके। इस इमेज का साइज़ थोड़ा इनक्रीज़ कर देते हैं जिससे हमें हेल्प होगी बनाने में। अब जौन से ब्रशेस मैंने डाउनलोड किए हैं आप उसे जाके एक्सट्रैक्ट कर लें और अब राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। अब आप फोटोशॉप में जाएं और ब्रश सेलेक्ट करें। अब आप ब्रश साइज में जाएं और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके इंपोर्ट ब्रशेस क्लिक करें। अब आप यहां पर राइट क्लिक करके जो ब्रशेस मैंने डाउनलोड किए थे वो आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर दें। मैंने ये पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपके ब्रशेस लास्ट में शो करेगा। अब आप इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करें और उस पर मास्क अप्लाई कर दें। अगर आपके मास्क में ब्लैक कलर फिल है तो ठीक है, अगर वाइट है तो उसमें ब्लैक कलर फिल कर दें। एक बात याद रखें कि आपका बैकग्राउंड कलर वाइट हो, अगर वो ब्लैक है तो आपको आपकी इमेज पे शो नहीं होगा। अब हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और फिर ब्रश सेटिंग में जाके जो ब्रशेस हमने इंपोर्ट किए हैं उन्हें उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। अब हम ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब मैं सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ। और अब हम इसी तरीके से रैंडम ब्रश सेलेक्ट करके इमेज पर अप्लाई करते रहेंगे। अगर आपको सिंपली कुछ एरिया रिमूव करना है तो यहाँ पर जाकर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें और जौन सा एरिया आपको रिमूव करना है उसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर दें। ये बहुत ही इजी मेथड है आपकी इमेज को स्मोक इफेक्ट में अप्लाई करने का। आप इस मेथड से अपनी इमेज को बहुत अच्छे तरीके से स्मोक इफेक्ट दे सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें थोड़े कलर्स भी कर सकते हैं। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इस इफेक्ट से एल्बम आर्ट के भी डिजाइन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।